नमस्कार, आप ही लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुनानगर के मॉडल टाउन के इलाके से खबर आई है, जहां पर एक जो सियाज गाड़ी है, जो यमुनानगर नंबर की गाड़ी है, उसकी टक्कर जो है ट्रैक्टर से बताई जा रही है। मौके पर डायल 112 के तमाम जो लोग हैं पहुंच चुके हैं। गाड़ी पीछे से काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बताया जा रहा है। आगे से और पीछे से थोड़े थोड़े परकच्छे जो हैं गाड़ी के उड़ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं, तमाम जो लोग हैं पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि गलती उसकी है। सामने आप लोग होटल देख सकते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे की भी जो है रिकॉर्डिंग खंगाली जा सकती है, और देखना लाजमी होगा कि आखिर किसकी गलती है। पूरा वाक्य क्या आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर पर, जहां पर एक्सीडेंट हो जाता है और काफी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि मलबे से भरी ट्रॉली के साथ सियाज गाड़ी की जो भिड़ंत हो जाती है, भिड़ंत में जो सियाज कार है वो काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ मौके पर जो है तमाम सिटी के जो है पुलिस इंस्पेक्टर, आला इंस्पेक्टर पहुंच चुके हैं और तफ्तीश की जा रही है कि किसकी गाड़ी थी, आखिरकार किसने जो है क्षति पहुंचाई है। मौके पर जो है तमाम इंस्पेक्टर जो है सिटी यमुनानगर से थाने से पहुंच चुके हैं। मौके पर बताना चाहेंगे जोगिंदर जो है साई, वो भी पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ तमाम ज्वाला अधिकारी हैं वो भी पहुंचते नजर आ रहे हैं, और जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा क्या पूरा मामला है। बता दें आप सभी को, सियाज गाड़ी जा रही थी, सियाज गाड़ी जब जा रही थी तो जो एक ट्रैक्टर है जिसमें मलबा भरा हुआ नजर आ रहा है, मलबा जो है उसकी भिड़ंत हो जाती है, और भिड़ंत हो जाने के बाद जो है काफी मात्रा में जो है जाम लग जाता है। आगे से गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन जो गाड़ी है पीछे से काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। मौके पर जो है तफ्तीश चल रही है कि किसकी आखिर क्या गलती है। मौके पर तमाम डायल 112 को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, डायल 112 भी आ गई है। इसके बाद जो है सिटी की जो टीम है प्रॉपर पुलिस आ चुकी और जो आप खुलवाने का जो है पूर्ण काम किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा। समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के मॉडल टाउन के इस इलाके में, जिसका नाम वर्कशॉप रोड पाया जाता है। आप सभी को बताएंगे व्यस्तम इलाका, और कहीं ना कहीं जो जाकर कराई मैंने तो वही बताओ। अच्छा हाँ जी, गलती तेरी कोई नहीं है, आराम से आ रहा था। इसमें हमने बाबूजी इतने बंदे थे उस कार को, अरे एकदम से कार आ गया है बाबूजी, बता दूं तो आराम से अचानक से ब्रेक लग गई इनकी गाड़ी। हाँ जी, अचानक से ब्रेक मार दी जी, एकदम से मार लो बाबूजी, जल्दी गड्डी का एक बंदा बंदा अगर आ जाएगा फिर क्या होगा आप ही बताओ बाबूजी, जल्दी गाड़ी का कर। कितने बजे का वाक्य है ये? अभी हुआ है, अभी तो हुआ ही है, वो तो एक कार के ऑर्डर चले गए। अच्छा सर, अंदर बंदे आस पास से रोकी, काफी बंदे ये तो कह रहे हैं उस कार वाले की गलती है। कार वाले की गलती क्या है? कार वाले ने ब्रेक मारी, ठीक है, मैंने ब्रेक मारी, कंट्रोल कर ली गाड़ी, कंट्रोल करने में इसने पीछे से टक्कर मारी, फिर मेरी गाड़ी में टकराई है, तो गलती इसकी है सारी। अगर ये कंट्रोल करता कुछ भी नहीं होता था। बताओ, मैंने तो कंट्रोल करके अपने ट्रैक्टर इधर पार्क किया, कंट्रोल करके तूने गाड़ी सारी इकट्ठी कर दी है, कमाल कर रहा है जी, गाड़ी सारी इकट्ठी कर दी है तूने, कंट्रोल कर लिया तूने, अब आपने पुलिस को फोन कर दिया? मैंने कर दिया फोन। डायल 112 पे कॉल किया आपने सर? डायल 112 पे कॉल किया आपने? तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गया। आप सभी को दिखाना चाहेंगे, ये भरी हुई ट्रॉली है जिसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाने के बाद बताया जा रहा है कि इस ट्रॉली की भिड़ंत है उस कार से हो जाती है, और कार से हो जाने के बाद आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कार पूरी तरह क्षति ग्रस्त नजर हुई आती है। आप बता रहे हैं, आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कार जो है पूरी तरह टूट चुकी है, कार में बच्चों का बचाव जो है काफी हद तक हो गया। पीछे की अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो कारें काफी खराब हो चुकी है। क्या बताया इन्होंने? उन्होंने कहा कि जी। आपको दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से कार है जो पीछे से ठोक दी गई है। पीछे से बताया जा रहा है कि ट्रॉली से जो है कार को ठोका गया है। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से दिखाने का प्रयास करेंगे कि कार जो है काफी क्षतिग्रस्त जो है बैक साइड से हो गई है। मौके पर पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया गया, पुलिस अधिकारियों को भी सूचना प्राप्त की गई है, दी गई है सूचना। जिस तरह से ये जो वाक्य आज हुआ, आप सभी को बता दें इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जो है मेन रोड पर है इस समय मौजूद, और आप सभी को बताना चाहेंगे वर्कशॉप रोड गाड़ी वाला था जिसने ब्रेक मारी थी मोड़ पे। अब वो तो मैंने देखा, लेकिन पीछे से ट्रैक्टर वाले ने बोला, चलते आपने भी सुना जी, ट्रैक्टर वाले ने बोला ना कि मैं पीछे से कंट्रोल कर लिया, अभी पहले पीछे से कंट्रोल कर लिया, ये गाड़ी देखिए कैसे खड़ी,
गाड़ी यहाँ पे थी, पीछे से मारा फिर उधर गई होगी। ये देख रहे हैं पूरे मौके पे। और गड़बड़ तो ये है कि ट्रैक्टर तो एग्रीकल्चर में आता है, और अगर आप चला रहे हो कमर्शियल में उसको चला रहे हो तो क्या आपके पास वैलिड लाइसेंस है? जी, ये तो पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। कहीं ना कहीं जिनकी गाड़ी को क्षति पहुंची है उनका साफ ये कहना है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का गलत यूज किया जा रहा है, उन्हें कमर्शलाइज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मौके पर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। डायल 112 के तमाम अधिकारी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और डायल 112 के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और जो है जिनकी गाड़ी को क्षति पहुंची है, जिनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, वो भी जो है मौके पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। उनकी जो है प्रॉपर डायल 112 के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बताएंगे जीएम कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर ये हादसा हो जाता है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पिक्चर जो है सीसीटीवी कैमरे से होगी। जिस तरीके से जो ट्रैक्टर वाला जो है कार वाले पर इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर वाला है कार वाले पर इल्जाम लगा रहा, कार वाला ट्रैक्टर वाले पर इल्जाम लगा रहा। आप देखें मौके पर जो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके से एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि इस तरीके से एक्सीडेंट जो है मेट्रो होटल के नजदीक हो जाता, उनसे भी जांच का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, और आपको बताना चाहेंगे इस तरीके के जो ट्रैक्टर चल रहे कहीं ना कहीं विदाउट नंबर, ये जो ट्रैक्टर चलते हैं कहीं ना कहीं विदाउट नंबर है ये ट्रैक्टर है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने गाड़ी कंट्रोल करी, पीछे से मैं जैसे टक्कर मारी फिर मेरी गाड़ी उसमें टकराई। आगे कैसी लगी? आगे का समझ नहीं आ रहा, आगे कैसे लगी जब इतने पीछे से टक्कर मारी है उसमें गाड़ी, तो आगे आगे हुई है, आगे सेट हुई है गाड़ी, सेट होने की वजह से उसमें। सर जिस तरह से मलबे का कोई बिल भी नहीं होता, ट्रैक्टर पे कोई वैलिड नंबर ही नहीं है, ना लाइसेंस है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहा है वो? अपने मालिक को बुलाया उसने या खुद ही वो मालिक है? वो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपना जो है मैं कैसे करूं, मैंने कंट्रोल करी तो अपना जो हुआ है, वगैरह मेरी कोई गलती नहीं है, तो पीछे से गाड़ी सारी इकट्ठी कर दी उसने। तो जी जो काफी बड़ा हादसा होते होते आज टल गया, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर जो है तमाम पुलिस के अधिकारी जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? गाड़ी गवाह में होती थी ना, वैसे कमर्शियल तो है नहीं वो जी, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। मलबा पूरा भरा हुआ था, उछल के कार पर गिर सकता था, शीशा भी टूट सकता था जी जी। क्या कहना चाहेंगे आम तौर पर नो एंट्री जोन पर ये? हाँ वही, इस टाइम कैसे ये नो एंट्री जोन में शाम का समय है जी, आप शाम के टाइम में भगदड़ मची होती है जो है आप लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो कहना है कि आप मलबा लेकर जा रहे हैं, कोई भी आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, ना कोई नंबर, आप लोग देख सकते हैं तमाम 112 डायल के जो लोग हैं आ चुके हैं, पुलिस अफसर जो हैं आ चुके हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि परखच्चे जो हैं आगे से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं जो चीजें हैं गाड़ी की, जो कहीं लाइट्स थी वो देखिए आप लोग, रोड पर बिखर चुकी है। और कहीं ना कहीं आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे, इस समय मौजूद है प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरीके से जो है इस वाहन को कहा गया कि साइड में वाहन कर दिया जाए, पुलिस अधिकारी वाहन वाले व्यक्ति से जो कि जिसका ट्रैक्टर है जिसपे जो है मलबा भरा हुआ है बताया जा रहा है, आप सभी से की बातचीत करते प्रयास करते नजर आ रहे हैं, और मौके पर डायल 112 को भी बुला लिया गया। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है, जाम की स्थिति भी खुलवाने का काम किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में दिखाने का माध्यम बन रहे हैं कि डायल 112 की गाड़ी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे व्यस्तम रोड बताया जाता है, शाम के समय में हर कोई आदमी सैर सपाटा करने के लिए मॉडल टाउन के इस सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से ना तो उस व्हीकल पर कोई नंबर था वैलिड, ना ही उस पर कोई चीज, और कहीं ना कहीं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो फोटो खींचते हुए, डायल 112 के तमाम अधिकारी फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो है काफी ज्यादा क्षति पहुंची है, क्षति पहुंचने के साथ साथ आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।